एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनामिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड इन योर लाइफ। सो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। टॉपिक देख के आप समझ के होंगे कि मैं क्या शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ। बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं मिस कर गई हूँ। लास्ट वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली थी आप लोगों के साथ, बट पता नहीं कैसे मेरे माइंड से ही निकल गया। एंड उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। शिवानी जी का एक मैसेज आया था, शिवानी प्रिया जी का, मेरे तीज वाले व्लॉग में। उन्होंने ये कमेंट किया था कि मेरे बेटे का बर्थडे है 24th को, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप उसको अपने ब्लॉग में विश कर देना, उसे बहुत अच्छा लगेगा। शिवानी जी, आपने आपके नाम तो मेंशन नहीं किया है, पर उसके पहले आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी आपको कि मैं क्यों बोल गई, मेरे माइंड से क्यों निकल गया। जिस तरीके से मैं खुश हो जाती हूँ आप लोगों की कमेंट्स पढ़ के, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी, आप लाइक करोगे, आप कमेंट्स करोगे, जो कि आप डेफिनेटली करते हो। मेरी जो भी छोटी सी एक यूट्यूब फैमिली है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है टचवुड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेम उसी तरीके से आप भी मेरे से अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हो, अगर मैं नहीं करूँगी तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। बट सीरियसली मेरे माइंड से निकल गया था। और आज 27th है, बिलेटेड वेरी 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 हैप्पी बर्थडे बेबी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव्स ऑल द हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। मेरे और मेरी फैमिली के तरफ से आपको वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप जो भी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको उसमें सक्सेस मिले, और अपने लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हो, आपको हर चीज में आप सक्सेसफुल रहो, ये हमारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और लास्ट वीडियो में एक कमेंट आता है, एक रेनू जी है, रेनू जी नहीं बोलूंगी, एक्चुअली वो मुझे बेटा बेटा करके लिखती हैं, तो वो मेरे से बहुत बड़ी होंगी, एंड रेनू आंटी मैं बोलूंगी उनको। उनका एक कमेंट आया था कि हेलो दी, मैं मम्मी के फ़ोन से आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूँ, प्लीज़ अपनी वीडियो में मेरा नाम लो ना, मेरा नाम अनन्या है। थैंक यू अनन्या मेरी वीडियो देखने के लिए, और आप तो मेरी वीडियोज़ देखते हो, ये मुझे अभी पता चला है। और रेनू आंटी का मुझे इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है, दिल खुश हो जाता है वो पढ़ के। मेरी मम्मी भी वो कमेंट्स पढ़ती है, और आप जो मुझे इतने प्यार से बोलते हो ना कि आप मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बेटी भी ऐसी ही चुलबुली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कहाँ से रेनू आंटी, आप ज़रूर शेयर करिएगा, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, या फिर आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, आप ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो लास्ट वीडियो में ही कमेंट आया था तानिया शर्मा का कि प्लीज़ शेयर योर मॉम साड़ी कलेक्शन, एंड कुछ लोगों ने अग्री भी किया है कि हाँ मुझे ये शेयर करना चाहिए। तो आई थॉट कि चलो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और मम्मी कैसी कैसी साड़ियाँ पहनती हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जितनी साड़ियाँ हैं मम्मी के पास, वो सब तो मैं नहीं शेयर करने वाली, कुछ सेलेक्टिव साड़ीज़ हैं जो मैं और मेरी दी, हम दोनों बहनें प्लान करते रहते हैं कि इन फ्यूचर कभी तो ये साड़ी हम लोग भी पहनेंगे, हम लोग भी कभी कैरी करने वाले हैं। तो 10-12 ऐसी साड़ियाँ हैं जो हमारी, मतलब हम दोनों बहनें की भी काफ़ी फेवरेट हैं। एंड कुछ साड़ीज़ तो हमने पहना भी है पहले, बट वैसी कोई पिक्चर्स हैं नहीं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट इन फ्यूचर भी हम प्लान करते रहते हैं कि हम इन साड़ीज़ में तो ज़रूर कुछ ना कुछ साड़ियाँ तो ज़रूर पहनेंगे। तो चलिए फिर बिना लेट किए हुए, बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो साड़ी है, ये साड़ी मैंने ऑलरेडी शेयर की है आपके साथ, ये जो मम्मी ने तीज में जो साड़ी पहनी थी, और ये मम्मी ने अपनी एनिवर्सरी के लिए साड़ी लिया था, बट इसका सेम मैचिंग पापा के लिए कुर्ता पजामा भी मान्यवर से मम्मी ने लिया था, बट पापा आ नहीं पाए इस लॉकडाउन की वजह से। बहुत सारी प्लानिंग हमने कर रखी थी बट पापा आ नहीं पाए, तो मम्मी ने फिर इसको एनिवर्सरी पे नहीं पहना था। तीज में भी मम्मी कुछ और पहनने वाली थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा मम्मी को ज़िद किया था कि ये साड़ी इतनी सुंदर साड़ी है, आप इसको तीज में ही पहन लो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि ऐसी ये भी साड़ियाँ जो होती हैं ना, वो रखी रह जाती हैं, फिर आप उसको पहन नहीं पाते, फिर पर्पज़ ढूंढने हम लग जाते हैं कि कौन सा ऐसा पर्पज़ आएगा जब हम इसको पहनेंगे, तो वो फिर रखा ही रह जाता है। तो इस वजह से मम्मी को मैंने ये वाली साड़ियाँ पहनाई थी, और आप लोगों ने ये साड़ी इसको बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा तीज वाले मेरे ब्लॉग पे, अगर नहीं देखा है तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड इन फ्यूचर मैं और मेरी दी में से ज़रूर ये साड़ी कभी तो पहनेंगे ही पहनेंगे, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत सुंदर लगी थी। तो पहली साड़ी ये है। नेक्स्ट साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये साड़ी मम्मी ने लास्ट छठ में लिया था। तो छठ में जो खरना होता है ना, खरना वाला जो शाम होता है ना, उसमें मम्मी ये वाली साड़ी मम्मी ने पहनी थी। ये येलो कलर की साड़ी है, और इस पर इस तरीके की जो प्रिंट बनी हुई है, रेड की, गोल्डन की, एंड सब पे ना ये टैशल लगा हुआ है, साइड साइड से ना इस तरीके की टैशल लगी हुई है,
जो कि ये बहुत ही सुंदर लगती है ये वाली साड़ी। एंड मम्मी ने इसकी ब्लाउज बहुत सुंदर बनवाई थी, बट वो अभी टेलर के पास है तो अभी नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर शो करती कि वो किस तरीके की ब्लाउज। तो ये ना बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, शिफॉन की साड़ी है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कुछ जो सेलेक्टिव साड़ीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये फ्यूचर में हमें पहने हुए आप ज़रूर कभी ना कभी देखेंगे, मुझे और मेरी दी को। तो ये एक येलो कलर की साड़ी है जो मम्मी ने लास्ट ईयर छठ के टाइम में लिया था। एंड ये इसकी एक गोल्डन ब्लाउज मम्मी ने इस तरीके से बनवाई थी। ये इसका बैक है एंड ये इसका बाजू है कट शोल्डर। मम्मी की जितनी भी साड़ी है ना, अगर सिंपल साड़ी है तो ब्लाउज मम्मी बहुत डिज़ाइनर स्टिच करवाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है तो उसकी ब्लाउज मम्मी बहुत नॉर्मल सा बनवाती हैं। तो मम्मी को इन सब चीज़ों का ना, ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग करना मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एक ये साड़ी हो गई येलो। अरी मेरी दी के शादी के टाइम की साड़ी है, और दी के इंगेजमेंट पर मम्मी ने पहना था आई थिंक। हाँ, दी के नहीं नहीं दी के शादी के टाइम में मम्मी ने ये साड़ी पहना था, जो चंदेरी कपड़ा होता है ना, चंदेरी फैब्रिक, वो चंदेरी फैब्रिक है, ग्रीन कलर की है, गोल्डन का इसके ऊपर ये प्रिंट बना हुआ है और काफ़ी हैवी साड़ी है। फैब्रिक इसका काफ़ी ज़्यादा थिक फैब्रिक है एंड ये इस तरीके की है। एंड ये है इसका आँचल, ये इसका आँचल बहुत ज़्यादा खूबसूरत आँचल है। ये इसका आंचल, तो ये इसका पल्लू हो गया, और ये इसके जो भी प्लेट्स होते हैं वो प्लेट्स हैं। एंड सेम इसी कलर का ना इसका ब्लाउज भी है। तो एक ये साड़ी जो मम्मी ने दी के शादी के टाइम में लिया था 2013 में, हाँ 2013 में। इसके बाद एक और ये साड़ी है, ये भी दी के शादी के टाइम में मम्मी ने लिया था, वो वाली शादी दी के इंगेजमेंट में मम्मी ने पहना था। ये वाली दी के शादी के टाइम, बारात के टाइम में मम्मी ने कैरी किया था। ये भी चंदेरी फैब्रिक है, ये साड़ी जो भी साड़ी है ना वो मम्मी ने कोलकाता से शॉपिंग किया था इसका, और चंदेरी फैब्रिक है, ग्रीन कलर की साड़ी है, गोल्डन प्रिंट है, नीचे ये मरून कलर की बॉर्डर है। और मम्मी के पास ना मैक्सिमम साड़ीज ना डार्क कलर की होती है, जैसे येलो हो गया, ग्रीन हो गया, रेड तो आई थिंक बहुत कम है। मम्मी के ऊपर ये कलर बहुत ज़्यादा खिलता है, तो मम्मी ट्राई करती है कि मैक्सिमम साड़ी वो इसी कलर का लें। तो ये ग्रीन कलर की है, नीचे ये वाली बॉर्डर है एंड पल्लू भी इसका ऑलमोस्ट सेम ही आई थिंक, नहीं आंचल ये है इसका, ये आंचल है बिल्कुल जो बनारसी टाइप का जो लुक आता है ना, वो बनारसी टाइप का इसका लुक है, और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। और ये मैं सोच रही हूँ कि अगर अभी कोई ओकेज़न आएगा या कभी कोई शादी वगैरह हो गई तो मैं इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखूँगी कि ये कैसा लगता है, और मेरे ऊपर भी बिल्कुल खिलेगा। हम दोनों बहनें हैं तो बिल्कुल मम्मी की तरह ही दिखते हैं, तो अच्छा ही लगेगा। अगर मम्मी पर अच्छा लग रहा है तो हम भी ज़रूर अच्छा लगेगा। एंड इसका ब्लाउज इस कलर का कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज है, इसको बहुत सिंपल बनवाया था मम्मी ने, क्योंकि जब साड़ी हैवी होती है ना तो ब्लाउज मम्मी एंड ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट कुछ मतलब जो जिसका जैसा इसका पल्लू था ना वैसा इसका ब्लाउज है। तो ये हो गई एक साड़ी। नेक्स्ट ये वाली साड़ी भी 2013 में ही मम्मी ने लिया था, दी की शादी के टाइम में, 2013 में दी की शादी हुई थी। एंड ये वाली साड़ी बंदेज बांधनी प्रिंट वाली जो होती है ना, वो वाली सिफॉन की साड़ी है, बंदेज वाली साड़ी है। एंड नीचे ना इसका बिल्कुल ये नेट का बॉर्डर बना हुआ है। ये पल्लू है, आंचल है इसका, आंचल भी सेम इस तरीके की है, और साइड की जो बॉर्डर है ना ये बिल्कुल इस तरीके की नेट का ना इसके ऊपर गोटा पट्टी किया हुआ है और ऐसे पैचेस लगे हुए हैं। एंड साड़ी के नीचे का बॉर्डर कुछ इस तरीके का है। ये मम्मी ने दी की शादी में, जो शादी के टाइम में जब दान किया जाता है ना, दान वाला जो रस्म होता है, उसमें मम्मी ने यही कैरी किया था। तो ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगता है अगर जब मम्मी पहनती है ना ये साड़ी, मम्मी मैक्सिमम करके ये साड़ी इसको पूजा वगैरह में पहनती है, बहुत सुंदर साड़ी लगता है ये। और बंदेज प्रिंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत खुद में लगता है, और बिल्कुल सिफॉन की साड़ी है, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है और इतना कम्फर्टेबल है ना, इतना सॉफ्ट कपड़ा है, ये बहुत पसंद आता है मुझे भी।
नेक्स्ट जो साड़ी है ये है कुछ इस तरीके की साड़ी। ये 10 साल पुरानी साड़ी है। हाँ, 10 साल पुरानी साड़ी होगी। दी ने एक बार ही पहना था, मैंने भी एक दो बार ही पहना है शादी से पहले। बस ऐसे ही चेक कर रही थी कि मेरे ऊपर कैसा लगता है साड़ी। होता है ना, कभी कभी आपको साड़ी पहनने का बहुत दिल करता है और देखने का दिल होता है कि आप साड़ी में किस तरीके के दिखते हो। शादी के पहले तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं हम लड़कियाँ कि शादी के बाद ये पहनेंगे, ऐसे पहनेंगे, वैसे पहनेंगे, बट ऐसी बिजी स्केड्यूल हो जाती है कि फिर साड़ी वगैरह कैरी करना और डेली कैरी करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये साड़ी 10 साल पुरानी साड़ी है। ये सिफॉन का फैब्रिक है, इसके ऊपर ये रोज़ का ना, ये रोज़ वेलवेट का डिज़ाइन किया हुआ है, स्टाइल किया हुआ है इसके ऊपर। और इसका जो बॉर्डर है वो इस तरीके का है, इसके ऊपर भी ना ये छोटे छोटे रोज़ बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारा साड़ी है, बहुत डिसेंट, बहुत यूनिक, बहुत स्टाइलिश ये साड़ी लगता है मुझे। और मतलब कहते हैं ना कि ये 10 साल पुरानी साड़ी होकर के भी ना अभी भी बिल्कुल ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा फैशन में है ये साड़ी और बहुत प्यारा साड़ी है। मम्मी ने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है और आँचल भी इसका बिल्कुल ऐसे ही है। ये है आँचल, बीच में ऐसा है और साइड से ऐसी वाली बॉर्डर है। तो ये साड़ी भी हम दोनों बहनों का बहुत फेवरेट साड़ी है। नेक्स्ट जो साड़ी है ये मेरी मम्मी का एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी है। ये वाली साड़ी मम्मी ने आज से 6-7 साल पहले लिया होगा, नहीं हाँ 2013 में लिया था मम्मी ने ये वाली साड़ी। दी की शादी के टाइम में ही मम्मी ने ये साड़ी लिया था। ये क्रीम कलर की साड़ी है, उसके ऊपर ये पूरा स्टोन का वर्क है, बीच में ऐसे ऐसे वर्क हुए हुए हैं एंड नीचे ये बॉर्डर है ऐसा वेलवेट का, ये बिल्कुल वेलवेट है। आँचल इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है, पूरे साड़ी में इस तरीके का वर्क है। मम्मी का ये फेवरेट साड़ी है, मम्मी को ये साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। एंड पल्लू इसका पल्लू यही है, आँचल इसका ये है, पूरे में ऐसा वर्क है और इसकी जो बॉर्डर है ना वो इस तरीके की है ना सुंदर, बहुत प्यारा साड़ी। और इसकी जो ब्लाउज मम्मी ने बनवाई थी ना, ऐसी ब्लाउज मम्मी का ब्लाउज ले जाकर के बहुत ऐसी आंटी हैं जो मम्मी के जान पहचान की, उन्होंने सेम ब्लाउज ऐसे स्टिच करवाई है। ये वाली ब्लाउज है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैशन में था ब्लाउज इस तरीके की। ये बैक में वर्क है, ये बैक है एंड फ्रंट इसका सिंपल है। तो ये साड़ी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी है। एंड उसके बाद जो साड़ी है ये हैंडलूम की साड़ी है। ये दी की शादी में ही मम्मी ने लिया था। हाँ, दी की शादी में ही लिया था मम्मी ने ये साड़ी। मैं एक बार पहन के अपने ससुराल भी गई हूँ, जब मैं यहाँ थी ना और यहाँ से मुझे डायरेक्टली ससुराल जाना था तो मैंने यही वाली साड़ी कैरी करी थी और वहाँ भी सबको बहुत पसंद आया था। तो ये हैंडलूम की साड़ी है, हैंडलूम में भी जो बहुत शाइनिंग वाली साड़ी होती है ना वो है, कोलकाता की साड़ी है ये। और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत प्यारा है, ये पर्पल के साथ ही पिंक, बहुत सुंदर साड़ी है। और सब में पूरे में ऐसा ही हो रखा है। और इसका ब्लाउज भी मम्मी ने बहुत प्यारा बनवाया था। ये पीछे की है ऐसे, नहीं जब मैं पहनी थी ना तो इसके साइड में ये लेस लगा हुआ था मोतियों वाली, अब मम्मी ने निकाल दिया है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था ना ये लेस वगैरह लगाना। तो एक ये साड़ी है। नेक्स्ट जो साड़ी है ये है मम्मी की बनारसी साड़ी, आज से ना जाने कितने सालों पहले की साड़ी है, आई थिंक 35 मम्मी की शादी के टाइम की साड़ी है। और ये बनारसी की फिनिशिंग देखो आप, आज भी अगर मम्मी ये बनारसी पहनती है और हम अपनी बनारसी पहनते हैं ना तो मम्मी की साड़ी ही ज़्यादा बेटर लगती है। मतलब ये जो वर्क थी ना उस टाइम की, और मतलब कितनी खूबसूरती के साथ ये वर्क किया हुआ है। और पापा ये साड़ी बनारस से लेके आए थे उस टाइम पे, और इसका जो बॉर्डर है वो देखो आप, बहुत प्यारा साड़ी है। अपनी शादी में भी मैं इस तरीके की साड़ी ढूंढते रह गई थी कि मुझे दो कलर कॉम्बिनेशन में साड़ी मिल जाता, ये रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है, बट मुझे नहीं मिला। फिर लास्ट में मुझे सिंगल कलर लेना पड़ा जो कि पिंक कलर की साड़ी मैंने ली थी, और एक ससुराल से जो आई थी वो फिरोजी कलर की साड़ी आई थी। और बहुत प्यारा साड़ी है ये, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो एक मम्मी की ये बनारसी साड़ी अभी भी बिल्कुल नई वैसी की वैसी ही है। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिफॉन की साड़ी है, मम्मी की साड़ी, और इसका पूरे में ना ऐसा वर्क किया हुआ है, ये बूटा जो दिख रहा है ना आपको स्टोन ऐसा है। एंड बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, ये कुछ इस तरीके का है। कलर इसका बहुत प्यारा है, जो बिल्कुल
डार्क पर्पल नहीं कहेंगे, पिंकिश जो पर्पल होता है ना, गाजरी कलर जो होता है ना, डार्क गाजरी कलर वही है ना, बहुत प्यारा। इसका इसके नीचे भी ऐसे ये वेलवेट लगा हुआ है, वेलवेट का बॉर्डर है। एंड इसका ब्लाउज भी मम्मी ने बहुत सुंदर बनवाया हुआ है। ये बैक का है, इसका ये बाजू है, नेट है, उसके अंदर ये स्लीव्स है, फिर ये पूरा ऐसा वर्क बना हुआ है। ब्लाउज मम्मी बहुत प्यारा बनवाती है, इस तरीके की है, और नीचे ना ऐसी डोरी लगी हुई है। तो ये ऐसी सेलेक्टिव साड़ीज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो हम दोनों बहनें कभी तो पहनेंगे। नेक्स्ट ये साड़ी मैं शेयर कर रही हूँ, ये साड़ी तो मैक्सिमम लोगों के पास होगा, बिकॉज जिस टाइम में आया था ये बहुत ज़्यादा फैशन में था, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था उस टाइम पे, और बहुत लोगों ने ऐसी साड़ियाँ ली होंगी। ये दो कलर कॉम्बिनेशन में है, ग्रीन सी ग्रीन कलर और पिंक कलर में, और शिमरी जो फैब्रिक होता है ना, शिमरी जो कपड़ा होता है वो कपड़ा है, पूरे में स्टोन वर्क है, बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी है। इसमें ना एक रेप्लिका भी चला था, मतलब इसका एक रेप्लिका भी आया था, और जिसमें जिस कपड़े में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं थी, वो कहते हैं ना कि मतलब वो ऑब्वियसली रेप्लिका था, तो उसका प्राइस भी कम था और फैब्रिक में भी काफ़ी डिफरेंस था, शाइनिंग में भी काफ़ी डिफरेंस था, तो मतलब बट इस वाली साड़ी की ना लुक बहुत अच्छी आती है, जब मम्मी पहनती है ना पूरे बॉडी में ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम चिपक जाती है साड़ी, और इतना बॉडी को स्लिम बना देता है ये साड़ी, इतनी अच्छे तरीके से बॉडी पे ना अच्छे से चिपक जाता है ये साड़ी, बहुत प्यारा लगता है। इसकी फिटिंग जब भी पहनने पे ना बॉडी बहुत अच्छी तरीके से लगती है, बिल्कुल आप एकदम स्लिम स्लिम से दिखने लगते हो, तो ये साड़ी मम्मी की बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी मैंने पहना है एक बारी दिवाली के टाइम पे, मैंने कभी तो पहना था ये वाली साड़ी, तो एक ये साड़ी है, मम्मी ने सारी साड़ी इसको पॉलिश करके रखा था, और मैं सारी साड़ी इसको अच्छे से बिखेर के रख दिया है। ओके, नेक्स्ट साड़ी मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अभी न्यू है, अभी तक मम्मी ने इसको नहीं पहना है, अभी तक मम्मी ने इस साड़ी को अभी तक कैरी नहीं किया है बिल्कुल भी, और इसकी ब्लाउज वगैरह स्टिच नहीं करवाई है। ये भी चंदेरी का कपड़ा है, और चंदेरी नहीं, ये सिल्क का कपड़ा है, चंदेरी सिल्क जो आता है ना उसका कपड़ा है, और फिरोजी कलर का साड़ी है, नीचे इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है। तो ये साड़ी अभी तक मम्मी ने पहना नहीं है, ये भी साड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। मम्मी ज़्यादातर करके ना मोटी फैब्रिक की साड़ी लेती है, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा रॉयल अच्छा अच्छा लुक आता है। और ये साड़ी, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट साड़ी है, और ये वाली साड़ी मम्मी ने लास्ट तीज में लिया था, आज से 2 साल पहले ये साड़ी लिया था मम्मी ने। सिफॉन की साड़ी है, और पूरे पे ये वाली वर्क की हुई है, ये वाली थ्रेड वर्क की हुई है, एंड नीचे इस तरीके की लेस लगी हुई है। सेम यही साड़ी मम्मी ने भी तीज में पहना था, और दी ने भी सेम यही साड़ी फिरोजी कलर की कैरी करी थी दी ने, और इसका ब्लाउज भी बहुत प्यारा है। ब्लाउज मम्मी की ना बहुत स्टाइलिश होती है, ये बैक वर्क है और शोल्डर कट है, ये है ना, बहुत प्यारा साड़ी है, कभी तो मैं इसको जरूर, ये साड़ी मेरी इतनी फेवरेट है कि मैं कभी तो इसको ज़रूर पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कलर इतना प्यारा है ना, ये कलर बहुत प्यारा कलर है, ऐसे रख के देखो कितना प्यारा लग रहा है, तो पहनने के बाद कितना खूबसूरत है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी कुछ लोगों की, उनका बहुत मन था कि मैं अपनी मम्मी की कुछ सेलेक्टिव साड़ीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो ये थी कुछ सेलेक्टिव साड़ीज़ मम्मी की। एंड बहुत ऐसी साड़ीज़ मम्मी ज़्यादातर डेली वेयर में तो सूट वगैरह ही डालती हैं, और कॉटन साड़ी, हैंडलूम साड़ी, सिल्क साड़ी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को इस सारे साड़ीज़ में कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कैसी लगी आप लोगों को मेरी मम्मी की साड़ी की कलेक्शन, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, आप लोग कैसा साड़ी पहनते हो, आप लोगों की फेवरेट साड़ी की फैब्रिक कौन सी है वो भी जरूर मुझे बताना। एंड चलिए और जा रही हूँ, मेरे पास तो इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, ये साड़ी को मम्मी इतने अच्छे से संभाल के रखी थी, और मुझे वापस से अब सारी साड़ी इसको समेटना है, बहुत सारा काम बढ़ गया। वीडियो बनाने के बाद बहुत आसानी होता है वीडियो बनाना, इसको वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर जो भी सामान आपने बिखेरा है वापस से इसको समेटो, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है ये वीडियो बनाने में, तो चलो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स और डेली रूटीन के ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। एंड कैसा लगा साड़ी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आपको कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय गाइस,
लॉट्स ऑफ लव। बाय।